अच्छा आंटी, सोनू कहाँ आपको पता है? हम सोनू के बारे में नहीं पता है? अच्छा, आज यहाँ आया था? वीडियो नहीं बनाई है। कोई वीडियो बनाना बना है? हाँ। अच्छा, देख सकते हैं वीडियो नहीं बनाई है इनका कहना है। अभी मैं आपको क्या ये भी बोला कि सर सोनू अगर बात नहीं कर सकता है तो आप कम से कम कर लीजिए, लेकिन उनका सीधा कहना था हम कभी आज तक मीडिया पे बात किए हैं, हमको देखे हैं बात करते हुए। अरे भाई, जब पैसा लेने की बात आती है तो कैसे पैसा लेने के लिए आप चले जाते हैं? कैसे सोनू बुलाता है 50,000 रुपये इनको दीजिए, मेरे अंकल को दीजिए, तुरंत एक बार में ले लेंगे आकर के। उस टाइम नहीं था कि हम कैमरा पे नहीं आते हैं? अभी आपको कैमरा पे आने में डर लगता है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। अभी हम सोनू के गांव हरनौत, जहां पर इनका आईआईटीआई कॉलेज है, देख सकते हैं वहां पर रामाशीष प्रसाद निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। आपको पहले बताना चाहूंगा कि यहां पर सोनू जो कि अपने कमरे में जहाँ भी है वो उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनके घर पे गए तो उनके घर पे कहना था कि वो आईटीआई कॉलेज पर है, तो हम लोग आईटीआई कॉलेज पर आए, लेकिन आईटीआई कॉलेज पे जब आए तो जो यहाँ के प्रिंसिपल सर थे, जो सोनू के चाचा थे, वो ना हम लोगों से सही से बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि हम लोग मीडिया से बात करना बंद कर दिए हैं, इस तरह का उनका कहना। और अभी हम लोग जब आए हैं तब लोग सब अंदर में थे और अभी जस्ट हम लोग को इग्नोर करते हुए ना कभी कुछ एक बात भी ढंग से नहीं कर रहे थे। मतलब कहने का है कि जब ग्राउंड लेवल पे हो तो बड़ा प्यार 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 दिखता था, जब स्टार्टिंग में था सबका प्यार दिखा, और जैसे ही अब एक पहचान मिल गया है तो अपना ढंग से बात करेंगे ना कभी कुछ दिखाएंगे। अभी हम लोग बस आए थे इनसे कि सर हमको बस एक बार सोनू से मिलवा दीजिए, हमको कुछ नहीं करना, बस एक बार मिलवा दीजिए, मिलने के अलावा हमको कुछ नहीं करना। लेकिन ना तो सर कुछ रिप्लाई दे रहे हैं सही से, ना कुछ दिए, चुपचाप बाइक निकाले और लेके चले गए, गेट भी खुला छोड़ दिए। मतलब कि कहने का था कि आप लोग यहाँ पे अपना जो करना है करिए, हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर अभी सब बैठे हुए थे, यहाँ पर वहाँ चेयर आप देख सकते हैं, इधर आइएगा, वहाँ पर आप चेयर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी सब कोई बैठे हुए थे और जैसे हम लोग आए हैं इग्नोर करके चले गए हैं। मतलब क्या ये मीडिया का यही दिखा रहे हैं कि मीडिया को क्या किया जा रहा है? मतलब जब आपका ग्राउंड लेवल हो तो आप ठीक रहिए, जब ऊपर जाइए तो फिर जा करके आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया जाएगा। अब बताइए इसमें क्या मीडिया क्या कर सकती है? कहेंगे मीडिया गलत सवाल पूछती है, नेगेटिव दिखाती है। सर आप उनको ट्रीट सही से करिएगा तब तो आपसे सही से कुछ करेंगे, आप उनको गलत वे में लीजिएगा तो वो भी तो आपके साथ गलत ही करेंगे। क्या है इसमें, क्या कर सकते, किसका दोष है इसमें बताइए? बेचारा सोनू है, चलिए ठीक है, उसका बोला जा रहा है कि वो पढ़ाई शुरू, उनका कहना है कि पढ़ाई शुरू कर दी, हमने बस इतना बोला कि सर हम लोग बहुत दूर से आए, एक बार बस आप मिलवा दीजिए, हमें बस मिलना है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चुपचाप गाड़ी लिए लेके चले गए, ना कुछ बोले भी नहीं सही से, सिर्फ इतना बोले कि वो बात नहीं करेगा, दिन भर बात नहीं ना करता चलेगा। जब स्टार्टिंग में था तो क्यों शुरू में आप क्यों बात करवाए इतना? जब कोई भी मीडिया आपके पास आती थी तो बड़ा बैठा करके बात करते थे, जब पैसा वगैरह आता था तो अब तो तुरंत लेने के लिए आ जाते थे। हाँ, और जब अभी आता तो हम कहीं बात नहीं करते। मैंने उनसे ये भी बोला कि सर सोनू अगर बात नहीं कर सकता है तो आप कम से कम कर लीजिए, लेकिन उनका सीधा कहना था हम कभी आज तक मीडिया पे बात किए हैं, हमको देखे हैं बात करते हुए। अरे भाई, जब पैसा लेने की बात आती है तो कैसे पैसा लेने के लिए आप चले जाते हैं? कैसे सोनू बुलाता है 50,000 रुपये इनको दीजिए, मेरे अंकल को दीजिए, तुरंत एक बार में ले लेंगे आकर के। उस टाइम नहीं था कि हम कैमरा पे नहीं आते हैं, अभी आपको कैमरा पे आने में डर लगता है? ये है देखिए, अभी जस्ट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर सब कोई बैठे हुए थे, अभी सर ऑफिस से निकले हैं और यहाँ से चले गए हैं। मतलब यही है कि जब कोई भी चीज़ आपका नाम चले, जब पैसा कहीं से इनकम आए, आईटीआई कॉलेज, सही कहा था भाई एक्सपोज मीडिया, भैया आपने एकदम सही कहा था और सही किया, अच्छा किया जो आपने उसका सही पर्दा दिखाया। अभी ये देखिए ये कॉलेज, आपको क्या गरीबों का कॉलेज दिखता है? ये गरीब कॉलेज है? अब क्या रीज़न है बताइए उसका, जो उसके मम्मी पापा हैं वो टूटे फूटे घर में रह रहे हैं, हाँ गरीबी में रह रहे हैं, मतलब एकदम से अभी जस्ट उनके घर पर से भी आए थे तो अकेला एकदम ना घर था सही से बना हुआ, लेकिन अब सोनू जो है इस घर में आराम से पंखे में रहता है, ठीक है। तो क्या मतलब ये क्या मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि पैसे देने की बारी आती है तो अंकल जी को आकर के दीजिए, हाँ जब बात करने की बारी आती है तो पापा से कोई मतलब नहीं, पापा शराब पीते, पापा तो बेचारे चुपचाप वहाँ बैठे हुए थे, उसका छोटा भाई है वहाँ आराम से बैठा हुआ था, लेकिन वो घर छोड़ करके वो कहाँ रहता है, अपने अंकल के साथ रहता है, क्यों पापा से मतलब उसका मोह माया ख़त्म, ये कैसा बेटा हुआ भाई? जब पैसा लेने की बारी आई तो अपने चाचा जी को बुला लिया और ऐसे आइए यहाँ पे एक हमको आंटी दिख रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी, सोनू कहाँ आपको पता है? सोनू के बारे में नहीं पता है? अच्छा, आज यहाँ आया था? वीडियो नहीं बनाई है। कोई वीडियो बनाना बना है? हाँ। अच्छा, देख सकते हैं वीडियो नहीं बनाई है इनका कहना है। अभी मैं आपको क्या बताऊं इसमें, तो माइक ले लेते हैं, चलिए क्या कहना है आपका। देख सकते हैं यहाँ पर इनकी गाड़ी भी लगी हुई है। खैर मैं ये सब ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि
गरीब हैं, इन लोगों का कहना है ये लोग गरीब हैं, बस इनके पास एक स्कॉर्पियो है, ये बड़ा सा बिल्डिंग है बस, बाकी बहुत गरीब हैं। तो एक बुलेट लगा हुआ है अंदर में, इस बाइक जो भी है खैर चलिए वो बहुत गरीब हैं इसलिए गाड़ी लगा हुआ है वहाँ पे। और आपको बता दें उनका अभी कहना, आंटी बोल रहे हैं कि एक माइक ले लेते हैं और चल देते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब भला क्यों कह रहे हैं पता नहीं। यही माइक वाला आंटी, आपका जो सोनू आपका गाँव का नाम भी रोशन किया यही माइक वाला। चलिए ठीक है। और भी मतलब आपको बताना चाहूँगा कि ये अब क्या किया गया है कि बच्चे को एक सोर्स ऑफ इनकम बना दिया गया है, मतलब कमाई का एक तरीका बना दिया गया। कैसे? बच्चा वायरल हुआ, पैसा लिया। अब जब पैसा ख़त्म, पैसा आने का सोर्स ख़त्म, तो बस बच्चे से बात भी नहीं करने दिया जा रहा। ये है यहाँ का राजनीति। खैर छोड़िए, क्या ही कह सकते हैं, दुर्भाग्य हमारे बिहार का कि यहाँ पे लोग इस मानसिकता से चलते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। और भी कहीं ना कहीं ये भी कहा जा देखा जा सकता है या कह भी सकते हैं कि अगर ये प्राइवेट कॉलेज है, हाँ सरकार का अब इस पर हाथ आ जाएगा, मतलब बच्चे पर जब हाथ आएगा तो मतलब कहीं ना कहीं इनका पहचान तो वहाँ तक आ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको अपने इनको अपने कॉलेज को भी एक गवर्नमेंट से मान्यता दिलाने की भी साजिश कही जा सकती है। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट संस्थान से इसको वो मतलब मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक यहाँ पे स्टूडेंट लोग उतने नहीं आएंगे, और शायद इसी को अप्रूवल दिलवाने के लिए गवर्नमेंट से ये लोग शायद कोई भी साजिश कर रहे हो। खैर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे आंटी धमका रही हैं हम लोगों को कि यहाँ वीडियो बनाना मना है, वीडियो नहीं बनाइए, क्या बोलते हैं माइक लेकर के खड़े होते हैं चल देते हैं, बस इस तरह की बातचीत हो रही है यहाँ पर। खैर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ को, कोई भी जिस तरह से वायरल टॉपिक चल रहा हो तो भावनाओं में आ करके कुछ भी कदम ना उठाएं कि हाँ ये सही है, इसमें थोड़ा मदद करते हैं, ये नहीं करते हैं। मदद करिए, मैं मदद करने के लिए भी मना नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी सी छानबीन जरूर करें कि कहीं ये फेक वेक तो कुछ नहीं चल रहा हो, और इनका मोटिव समझने की कोशिश कीजिए पहले कि मोटिव क्या होता है। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन प्रतीक राज के साथ पब्लिक रोल पॉइंट्स, जय हिंद।